Hello guys, good morning. This is Jivesh and welcome to online class of Standard 2. Hope you are doing good and staying in home. So today we'll discuss about, we'll take the class of a computer and in last class I have given your homework. I hope everyone has done and shared over the WhatsApp. If you have not yet done, please complete it and share it. Okay? So in last class we have discussed about the what is computer, right? So I have given the brief about that. So in today's class again I will tell you the characteristics, okay, and also I will give the definition of the what is computer. ठीक है, तो आप लोग समझिए क्या है computer, और अगर homework बनाया है तो homework भी आप सामने में रखें, book open कर लीजिए और फिंगर भी रखिए जहाँ पर फ्राई हो रहा है. ठीक है, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैव गिवन टू ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स टू रिमेम्बर, राइट? सो आई एम होपिंग एवरीवन हैज रिमेम्बर्ड दिस. इफ यू हैव नॉट रिमेम्बर्ड, जस्ट रिमेम्बर इट नाउ. ओके, तो मैं बोलते जाता हूँ, उसको आप रिवाइज करते जाइए. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है? स्पीड. ठीक है, स्पीड मीन्स कंप्यूटर इज वेरी फास्ट. ठीक है, it is not taking much time to do any calculator. So we can say that computer is very fast to perform work. ठीक है, it can perform million of tasks in a second. ठीक है, the second characteristic is accuracy. Computer is 100% accurate, right? मैंने last class में बताया था कि आप कोई भी calculation कर रहे हैं तो जो भी result आता है वो बहुत मतलब एक्यूरेट होता है. जो भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, जो भी हम लोग डेटा डालते हैं, वो डेटा का जो आउटपुट आता है वो एक्यूरेट रहता है. ठीक है, तो कंप्यूटर कभी भी कैलकुलेशन में गलत नहीं करता है. अनलाइक ह्यूमन बींग, दे नेवर मेक एनी मिस्टेक. ह्यूमन बींग की तरह कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता है. ठीक है, डिलीजेंस, डिलीजेंस में बताया था, तो परफॉर्मेंस. ठीक है, कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड. कंप्यूटर टायर्ड नहीं होता, वो बहुत घंटों तक भी काम करता है. इट कैन वर्क फॉर आवर्स आवर्स विदाउट नीडिंग अ रेस्ट. कितना भी घंटे काम करता है फिर भी वो टायर्ड नहीं होता. तो कंप्यूटर कैन वर्क फॉर सो मेनी आवर्स, ओके, विदाउट गेटिंग टायर्ड. सो दिस थ्री आर द कैरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट इज स्पीड, एक्यूरेसी एंड डिलीजेंस. ये थ्री आपको रिमेम्बर रखना है. फर्स्ट स्पीड, एक्यूरेट एंड डिलीजेंस. फर्स्ट स्पीड, एक्यूरेसी एंड डिलीजेंस. ठीक है, स्पीड, एक्यूरेसी एंड डिलीजेंस, दिस थ्री वर्ड यू हैव टू रिमेम्बर. ठीक है, दिस थ्री आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर. सो आपको एग्जाम में आ सकता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर. सो यू हैव टू राइट स्पीड, एक्यूरेसी एंड डिलीजेंस. स्पीड में एक लाइन लिखना होगा, द कंप्यूटर इज वेरी फास्ट. ठीक है, एक्यूरेसी में लिखना होगा, कंप्यूटर कैलकुलेट द करेक्ट 100% करेक्ट एक्यूरेट रिजल्ट. इट गिव द रिजल्ट 100% एक्यूरेट. ओके, थर्ड इज डिलीजेंस. सो कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड. ये आपको एक एक लाइन आपको लिखना होगा. ठीक है, सो स्पीड, accuracy and diligence. ठीक है, these three are the characteristic of computer. What a computer can do. Computer क्या कर सकता है? Computer can help us in many ways. कैसे कैसे हम लोग की मदद करता है computer? तो पहला क्या है? With using of computer we can watch cartoon, make drawing, solve sums and play games. ठीक है, second क्या है? You can do work easily and quickly. ठीक है, कंप्यूटर के यूज करके हम लोग कोई भी काम जल्दी कर सकते हैं और तुरंत कर सकते हैं. इट वर्क वेरी फास्ट, और ये बहुत जल्दी काम करता है. ठीक है, वेरी फास्ट, इन क्विक सेकंड, इन ए सेकंड ओनली इट विल गिव द रिजल्ट, राइट? आप डेटा डालें, इंटर प्रेस के बस आपको आंसर आ जाता है. कंप्यूटर हैज अ मेमोरी लाइक अस. कंप्यूटर के पास भी हमारे जैसा मेमोरी होता है जो पूरा स्टोर करता है डेटा को. ठीक है, जो भी आप डेटा डाल रहे हैं या जो भी कुछ आप सेव करना चाहते हैं आप कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं. वो
permanently safe ho jata hai computer mein. So in last class I have gave this quick review in homework. So everyone has done, please check it, it's correct or wrong. Okay, jinka bhi agar wrong hai usko erase karke aap theek kar lenge. Theek hai, so kya hai isme, cross out each job which a computer can't do. Computer can't do means computer नहीं कर सकता है. फर्स्ट इमेज में क्या है, कंप्यूटर इज स्लीपिंग, तो कंप्यूटर सोता नहीं है. ठीक है, कंप्यूटर में बताया था ना कि वो कैन वर्क फॉर आवर्स और विदाउट गेटिंग टायर्ड, कभी टायर्ड नहीं होता है, तो वो बिना रेस्ट लिए हुए काम करता है, तो कंप्यूटर सोता नहीं है. तो क्रॉस यहाँ पर क्रॉस होगा, कंप्यूटर कांट स्लीप. ओके, सेकंड फिगर में क्या है, कंप्यूटर इज प्रिपेयरिंग फूड, तो कंप्यूटर कुक नहीं करता है. ठीक है, कंप्यूटर कुक नहीं करता है, ही कैन नॉट बिहेव लाइक ह्यूमन. ठीक है, ह्यूमन की तरह वो खाना नहीं बनाता, खाना नहीं खाता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, क्रॉस होगा, कंप्यूटर काम कुक. ओके, कंप्यूटर कुक नहीं कर सकता है. द थर्ड इमेज इज सेइंग हिज राइटिंग, कंप्यूटर राइट नहीं करता है. ठीक है, हम लोग कंप्यूटर में राइट करते हैं, वो डेटा को स्टोर करता है और उसका रिजल्ट हम लोग को देता है, तो कंप्यूटर कांट राइट. ठीक है, इसमें भी क्रॉस होगा, ऑल थ्री विल गो टू क्रॉस. ऑल थ्री इमेज क्या है, रॉन्ग है, कैन नॉट डू दिस टाइप ऑफ जॉब. कंप्यूटर कांट राइट, कंप्यूटर कांट कुक और कंप्यूटर कांट स्लीप. ठीक है, तो ऑल थ्री इमेज आर रॉन्ग. ओके, साइज इमेज में क्या होगा, क्रॉस आउट करना होगा. ठीक है, इसके नेक्स्ट क्या है, मैन एंड कंप्यूटर. सो मैन एंड कंप्यूटर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर, मींस आप मतलब इंसान जो काम कर सकता है क्या कंप्यूटर कर सकता है, या कंप्यूटर जो काम कर सकता है वो क्या मैन कर सकता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है, सो कंप्यूटर इज अ वंडरफुल मशीन, कंप्यूटर क्या है, बहुत वंडरफुल मशीन है, ही कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क विद इन अ सेकेंड. ठीक है, so it's a wonderful machine, but लेकिन कुछ problem है, it cannot work on own, ये अपने आप खुद से काम नहीं कर सकता. computer को काम करने के लिए हम लोग का जरूरत होता है, हम लोग अगर कुछ operate करेंगे तब उसका वो result देता है. computer को बोलेंगे computer मुझे ये data चाहिए, वो नहीं देगा, उस पर हमको जाकर operate करते हैं, हम हाँ ये करना है, उसके बाद हम लोग डेटा उससे फेच करते हैं, या प्रिंट करना है तो आपको जाके बोलना करना है, इस पर प्रिंट होता है, ऐसा नहीं होता है कंप्यूटर प्रिंट देना तो वो प्रिंट नहीं देता है. ठीक है, कंप्यूटर कैन नॉट डू वर्क ऑन ओन, अपने आप खुद से वो कोई भी काम नहीं करता है, हर काम के लिए हम लोग ह्यूमन बींग का जरूरत है. इफ आई विल वर्क ऑन द कंप्यूटर, आई विल जनरेट द डेटा, I will print the data, I can play the game. अगर हम लोग करेंगे तब ही वो काम करता है. Let us see how a computer is different from man. चलो देखते हैं तो कंप्यूटर कैसे डिफरेंट है मैन से. ठीक है, वी गेट टायर्ड और बोर्ड, हम लोग क्या होते हैं कोई भी काम करते हैं तो थक जाते हैं, या फिर क्या होते हैं बोर होते हैं ना, आलस होता है, अरे यार बहुत हो गया, सुबह से पढ़ रहा हूँ. ठीक है, तो हम लोग बोर्ड हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, बट आफ्टर डूइंग द सेम टास्क सेवरल टाइम, एक ही काम आपको बोला जाएगा, ठीक है ये बोतल में पानी भरो, फिर आपको मुझे लाके देना है, फिर आपको वही सेम काम आपको दिया जाएगा कि बोतल में पानी भरो, बोतल में पानी भरो, तो आप क्या हो जाएंगे, बोर्ड हो जाएंगे, एक ही काम नहीं कर सकते. मगर कंप्यूटर कांट बोर्ड, वो इसको आप एक ही टास्क बार बार कर सकते हैं, वो कभी बोर्ड नहीं होता है. वी गेट टायर्ड और बोर्ड आफ्टर डूइंग द सेम टास्क सेवरल टाइम, ठीक है हम लोग क्या होते हैं थक जाते हैं या बोर्ड हो जाते हैं एक ही काम को करने से. व्हाइल अ कंप्यूटर कैन डू सेम टास्क ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट गेटिंग टायर्ड, वही कंप्यूटर कैन डू सेम टास्क, वो एक ही काम को फिर से कर सकता है, दोबारा और दोबारा कर सकता है बिना टायर्ड हुए. ठीक है, सो यू अंडरस्टूड दिस ना,
मैन एंड कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट डिफरेंस क्या है, वी गेट टायर्ड और बोर्ड, हम लोग थक जाते हैं और बोर्ड हो जाते हैं एक ही काम को करने से. हमें कंप्यूटर नहीं थकता है ना ही बोर्ड होता है, ठीक है. वी कैन फॉरगेट थिंग्स व्हाइल अ कंप्यूटर कैन रिमेम्बर लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी. वी कैन फॉरगेट, कुछ काम को कुछ चीजें को हम लोग रख के भूल जाते हैं, राइट. कोई काम किए या कोई रिमेम्बर आपको करने के लिए मिलता है एक्सरसाइज, उसको रिमेम्बर करते हैं, क्वेश्चन से रिमेम्बर करते हैं, मगर जब हमको 1 वीक के बाद आपसे पूछते हैं तो आप लोग भूल जाते हैं. मगर बट कंप्यूटर कैन रिमेम्बर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी. वो मगर बहुत सारा डेटा को, बहुत सारे चीज को रिमेम्बर रखता है इन इट्स मेमोरी. उसका जो मेमोरी है, जैसे हम लोग का मेमोरी क्या है, माइंड हम लोग का मेमोरी है ना, हम लोग का दिमाग जो है हमारा मेमोरी होता है. उसी तरह से कंप्यूटर का मेमोरी क्या होता है, उसका हार्ड डिस्क, ठीक है, उसका डेटा मेमोरी होता है जिसमें वो स्टोर करता है सारा डेटा, ठीक है. वी कैन फॉरगेट थिंग्स व्हाइल अ कंप्यूटर कैन रिमेम्बर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी. सो वी कैन फॉरगेट, हम लोग भूल जाते हैं, बट कंप्यूटर कांड फॉरगेट, राइट. कंप्यूटर क्या करता है, वो सारे कुछ को मेमोरी में स्टोर रखता है. थर्ड पॉइंट इज वी डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी. हम लोग को कुछ भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं होता है, ठीक है. आपको वाटर चाहिए, आप जाएंगे पानी पी लेंगे, ठीक है. आपको कोई काम करना है, खाना खाना है, ठीक है, या मैथ्स का ये करना है, बुक्स पढ़ना है, तो आपको किसी भी चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ता है. बट कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए, सिंपल टास्क ऑल्सो कंप्यूटर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी. सो वी डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर डूइंग वर्क व्हाइल अ कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. कंप्यूटर रन किस पर करता है, इलेक्ट्रिसिटी पर, बिकॉज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, ओके, इलेक्ट्रॉनिक मशीन. सो द फोर्थ पॉइंट इज वी आर स्लो, हम लोग थोड़ा स्लो होते हैं एंड मेक मिस्टेक. सपोज आपको होमवर्क मिला है मैथ का, उसमें कैलकुलेशन है, ठीक है, मैथ का आप सम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिविजन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें देयर आर सो मेनी थिंग्स वी आर डूइंग. तो उसमें आप लोग को मिस्टेक होता है करने में, मगर कंप्यूटर में कोई मिस्टेक नहीं होता है. और कंप्यूटर क्या होता है, फास्ट काम करता है. मगर हम लोग को अगर 10 सम करना है तो हम लोग को अच्छा टाइम लगता है, मगर 10 सम कंप्यूटर को करने में विद इन अ सेकंड ही कैन डू, राइट. सो वी आर स्लो एंड मेक मिस्टेक व्हाइल अ कंप्यूटर इज फास्ट एंड ऑलवेज गिव द करेक्ट इंफॉर्मेशन, हमेशा वो करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है. तो फिफ्थ पॉइंट इज वी कांट डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विथ इक्वल स्किल. हम लोग हर काम को एक ही स्किल से नहीं करते हैं. आप लोग जब खेलते हैं तो उसमें एनर्जी ज्यादा लगता है, ठीक है, पढ़ाई करते हैं तो एनर्जी कम लगता है, माइंड आपको ज्यादा लगता है, ठीक है. फिर या और दूसरे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सो रहे हैं, तो उसमें आपको एनर्जी दम नहीं लगता है. मगर हम लोग क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विद इक्वल स्किल हम लोग नहीं करते हैं. व्हाइल अ कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विद इक्वल स्किल, मगर कंप्यूटर क्या करता है, हर कोई भी काम करना है वो सेम इक्वल स्किल का यूज करके करता है. वी कैन नॉट डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विद इक्वल स्किल व्हाइल अ कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विद इक्वल स्किल्स. वो कोई भी काम करता है या मल्टीपल भी काम करता है, हर काम को इक्वल स्किल से करता है, हर चीज को करने में एक ही स्किल, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ स्किल यूज करता है, ठीक है. वी कैन थिंक एंड हैव फीलिंग, हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग के पास फीलिंग होता है, हम लोग के पास इमोशन होता है. व्हाइल अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड डज नॉट हैव एनी फीलिंग, जबकि कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होता है, ठीक है. हम लोग के पास फीलिंग होता है, हम लोग के पास इमोशन होता है, हम लोग सोच सकते हैं, किसी भी काम को करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि
ठीक है, बट कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, इट कैन नॉट फील एनीथिंग। सपोज आपने कोई प्रिंट दिया कंप्यूटर पर, तो वो प्रिंट कर देगा, वो सोचेगा नहीं कि क्यों प्रिंट करना है या किसके लिए प्रिंट करना है। जब भी आप कोई टास्क देंगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर वो करेगा, मगर वो कोई भी चीज सोचेगा नहीं, ठीक है, बिना सोचे वो काम करता है, ठीक है। जो भी आप एक्शन देंगे उसको काम करने के लिए, जो भी बोलेंगे वो काम वो करता है, ठीक है। सो क्विक रिव्यू, लुक एट द पिक्चर एंड राइट सी फॉर कंप्यूटर एंड एम फॉर मैन। सो यहाँ पर आप नीचे इमेज दिया हुआ है, उसको फिल करना है, सी फॉर कंप्यूटर एंड एम फॉर मैन, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस क्लास एंड प्लीज कंप्लीट द होमवर्क। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल दैट टाइम एंजॉय मोर, प्ले मोर, स्टडी मोर, बट डोंट डिस्टर्ब योर parents, okay, bye-bye.